जिले में खाद संकट का कारण कालाबाजारी तो नहीं? जिले में किसानों को खाद आसानी से उपलब्ध हो, इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है। खाद का संकट बरकरार है। खाद के लिए किसानों को मारामारी और खून तक बहाना पड़ रहा है। अब इस बात पर ध्यान दिया जाए कि जिले में जब खाद संकट है तो प्राइवेट डीलरों और खाद की दुकानों पर खाद आसानी से उपलब्ध क्यों हो रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस बार जिले में माधव सेल्स कंपनी द्वारा सबसे ज्यादा खाद का वितरण किया गया है, जबकि इस बार कारगिल कंपनी की खाद पूरी मध्य प्रदेश में नहीं आई। जानकारी के अनुसार एमपी एग्रो और अन्य शासकीय खाद वितरण केंद्रों में खाद का जो रेट है उससे ज्यादा रेट 1500 से 1800 रुपए में भी प्राइवेट खाद दुकानों पर खाद आसानी से उपलब्ध हो रही है। अगर खाद का संकट है तो फिर प्राइवेट डीलरों और दुकानदारों को खाद कहां से उपलब्ध हो रही है। सटई रोड पर ग्रीन ए व्यू कॉलोनी के सामने पठापुर और देरी रोड पर जो दुकानें हैं वहां आसानी से खाद उपलब्ध हो रही है। ईसा नगर में संचालित दुकानों पर भी खाद संकट नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खाद वितरण करने वाले अधिकारियों, प्राइवेट डीलरों और दुकानदारों के बीच साठ गांठ के चलते खाद का संकट बना हुआ है। इस पूरे मामले में जिला कलेक्टर को इस बात की जांच करवानी चाहिए कि आखिर प्राइवेट डीलरों को खाद कहां से आसानी से उपलब्ध हो रही है और अब तक इन वितरण केंद्र द्वारा कितनी खाद बेची जा चुकी है, वह कहां से उपलब्ध हुई है। जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि शासकीय वितरण केंद्रों पर खाद कम भेजी जा रही है या फिर यहां पर भी कालाबाजारी के चलते खाद संकट दिख रहा है, क्योंकि कुछ किसानों का आरोप है कि इन वितरण केंद्रों पर दलाल सक्रिय है जो अपने चहेतों को अधिक राशि लेकर आसानी से खाद उपलब्ध करा देते, जिन्हें लाइन में भी नहीं लगना पड़ता। साथ ही POS मशीन के माध्यम से भी खाद वितरण में गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मशीन में किसान से अंगूठा लगवाकर किसानों को पर्ची नहीं दी जा रही कि उसे कितनी खाद दी गई, बाद में पर्ची को फाड़कर फेंक दिया जाता है। सच्चाई जो भी हो, परंतु यह बात आवश्यक है कि किसानों को खाद की परेशानी हो रही है, जिसका कारण कृषि विभाग के अधिकारी ही जान रहे होंगे। जिला कलेक्टर को अब इस पूरे मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए खाद संकट के लिए दोषियों पर कार्यवाही करनी चाहिए। जनपद दर्शन न्यूज चैनल के लिए हरिओम अग्रवाल की रिपोर्ट।